सर, चुनाव परिणाम सामने है, कांग्रेस जिन राज्यों में चुनाव हार रही है, क्या कहेंगे इसको लेकर? मुझे लगता है ये कांग्रेस की हार नहीं है, ये वामपंथ की हार है। कुछ दिनों से कांग्रेस में कुछ ऐसे नेता घुस आए थे और घुस आए हैं और उनका बड़ा प्रभुत्व है, कांग्रेस के सभी फैसलों में उनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है, और वो कुछ नेता कांग्रेस को महात्मा गांधी के रास्ते से हटाकर वामपंथ के रास्ते पे ले जा रहा चाहते हैं और ले जा रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी, जो कांग्रेस पार्टी महात्मा गांधी के रास्ते पे चलकर यहां तक आई है, महात्मा गांधी जी की सभा की शुरुआत रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम से होती थी, आज उस कांग्रेस को सनातन के विरोधी पार्टी के रूप में जाना जाने लगा है, ये दुर्भाग्य है। कांग्रेस पार्टी ने अगर ऐसे नेताओं को नहीं निकाला तो कांग्रेस पार्टी की हालत बहुत जल्दी AIMIM जैसी हो जाएगी। कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और कांग्रेस को महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी की कांग्रेस रहने दिया जाए। कांग्रेस को महात्मा गांधी के रास्ते से हटा के मार्क्स के रास्ते पे ले जाने वाले जो नेता हैं, इनको बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। अगर बात करें तेलंगाना में कांग्रेस जीत गई है, वहीं छत्तीसगढ़ में टक्कर थी बराबर की, लेकिन सीटें गड़बड़ के हार कर बीजेपी भाग निकल गई है। देखिए, भारत भावनाओं का देश है और सनातन का विरोध हमें ले डूबा। जातिवादी राजनीति को कभी इस देश ने स्वीकार नहीं किया है। 6 सितंबर 1990 का राजीव गांधी जी का भाषण है संसद में, वो सुन लीजिएगा। ये देश अगर जातिवादी होता तो विश्वनाथ प्रताप सिंह को गांव गांव पूजा जाता। विश्वनाथ प्रताप सिंह जी जब मंडल लाए थे, उनसे बड़ा कोई जातिवाद का कार्ड खेलने वाला नेता नहीं हुआ। लेकिन विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की हालत इस देश में क्या हुई, ये सबके सामने है। तो इसलिए जातिवादी राजनीति और सनातन का विरोध, ये हमें ले डूबे। सर, कांग्रेस ने पूरे जोर से कहा था कि राजस्थान हम लोग जीत रहे हैं, राजस्थान मध्य प्रदेश दोनों आप लोग हार गए हैं, किसको जिम्मेदार ठहराते हैं चीज़ को? अब इसका एनालिसिस होगा, विश्लेषण होगा। फिलहाल तो इन राज्यों के जो प्रभारी हैं उनको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए, अगर उनमें जरा सी भी शर्म हो तो अपने अपने इस्तीफे दे देने चाहिए। साहब ने ट्वीट भी किया कि सनातन की हार है। नहीं, सनातन का विरोध ले डूबा, ये सनातन का श्राप है।